बिलासपुर की बहुप्रतीक्षित तीफरा ओवरब्रिज के निर्माण की लागत तकरीबन 67 करोड़ रुपए है, लेकिन इस निर्माण कार्य की रफ्तार इतनी धीमी है कि यह शहर के लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। वहीं विधायक शैलेश पांडे ने औचक निरीक्षण कर प्रोजेक्ट से जुड़े जिम्मेदार विभाग और उनके अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। बिलासपुर तीफरा ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण करते वक्त विधायक शैलेश पांडे ने 6 महीने के भीतर अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात को सुगम बनने के लिए एएसपी यातायात की मौजूदगी में ठीका कंपनी और नगर निगम के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। गवर्नमेंट इतना सारा ब्रिज बन गया लेकिन उसको कम्प्लीट करना हमारी जवाबदारी है, तो उसी के लिए सभी विभाग आज यहाँ पर आए हुए थे और हम लोग उसको निरीक्षण किया है। निरीक्षण में जो कमियाँ पाई गई हैं उसको ठीक करने का निर्देश दिया है और उसको समय सीमा के अंदर अगले 6 माह में कंप्लीट करने का इन लोगों ने आश्वासन दिया है, और इससे बरसात के पहले ब्रिज बन जाना चाहिए और सभी चीज़ें इससे कम्प्लीट हो जाना चाहिए। कल CM साहब ने कहा कि मेरा प्यारा शहर बिलासपुर है और आप मुस्तैद हो गए। हमारी सरकार के लिए बिलासपुर शहर सर्वोच्च प्राथमिकता में और बिल्कुल वो प्राथमिकता में रहेगा, और ये तीफरा ब्रिज पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ है, आम आदमी को सुविधा मिलेगी। बिलासपुर एक बड़ा शहर है, इसमें मुंगेली, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और अंबिकापुर का सारा ट्रैफिक यहाँ पर आता है, तो इसलिए इस ब्रिज की जवाबदारी जो है वो बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो इसलिए आज नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी, विद्युत मंडल के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, हमारे जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी पूरी टीम और सभी लोग आए हुए थे ताकि इसको एक सामूहिक रूप से चर्चा करके इसका जितना जल्दी हो सकता है उसको बनाया जाए। ये टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि जो पुल और सेतु निर्माण विभाग है वो उसको बनाना चाहिए था, लेकिन ये निगम बना रहा है कुछ। अब ये पुरानी सरकार का निर्णय था, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्यों उन्होंने इसको लिया, सेतु को क्यों नहीं दिया, लेकिन अभी फिलहाल मैं विधायक हूँ, मेरी जवाबदारी है ब्रिज बने, बाकी बना कौन रहा ये अलग विषय। जो गड़बड़ियाँ दिखी आपने, शेड्यूल बनाने कहा, टाइमलाइन बनाने को कहा, अगर वो टाइम पे नहीं होता तो फिर क्या आगे करेंगे आप? उसके आगे चर्चा की जाएगी, क्या किया जा सकता है, फिर देखेंगे जो नियम में प्रावधान होगा उन नियम प्रावधानों के अनुसार फिर एक्शन लिया जाएगा। आप खुद ऑफर कर रहे थे मेरे से पैसे ले लो अगर कुछ चीज़ें जरूरत पड़ती है तो, कुछ कहीं पर दिक्कत हो रही है? विधायक निधि में से अगर मुझे कुछ देना पड़ेगा तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, मतलब पर पब्लिक की सुरक्षा को दृष्टि को लेकर, सुरक्षा की दृष्टि को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी है, अगर उसके लिए कोई जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए देने के लिए। दूसरी तरफ विधायक की फटकार और नाराजगी के बावजूद ठेका कंपनी के अधिकारी सरकारी विभागों पर आरोप लगाने में लगे रहे। इनकी माने तो विद्युत विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन जैसे विभागों से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी होती है। बिल्कुल हम लोग जो है पूरा मुस्तैद हैं काम करने के लिए और टाइम से काम को पूरा करेंगे। ये भारी लापरवाही दिख रही है, विधायक भी नाराज हो रहे थे, कई जगह आपको रोक रोक के बार बार बोलना पड़ा, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। मेन तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हमारे कंपनी को काम करने में आई कि ROW हमें नहीं दिया गया, ज़मीन का प्रॉब्लम रहा, लैंड एक्विजिशन बाद में हुई, अभी तक लैंड एक्विजिशन का प्रोविजन चल ही रहा है जी। और ये विद्युत विभाग के तरफ से ESP लाइन शिफ्ट होनी है, ये सारे कामों के चलते जो हमारा काम अवरुद्ध पड़ा है, बाकी हमारा जितना भी हमारे साइट क्लियर है पूरा हमारा काम अपनी डेट हुआ पड़ा। ये अपडेट करा दिया आपने विधायक को जो नाराज हो रहे थे उनको? जी, उनको क्या बोला उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको विभाग को बुलाए थे, जल्दी जल्दी उसे काम कराया जाएगा। ये काफ़ी 67 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होता है अप्रॉक्स, ये बढ़ भी जाएगा, पेनल्टी ना लग जाए इस तरह से बात हो रही थी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगने देंगे सर, हम लोग टाइमली काम पूरा करेंगे। काफ़ी मीडिया में बात आती रही कि ये सेतु निगम का काम था लेकिन आपको दे दिया गया। डिपार्टमेंट तो सर गवर्नमेंट बॉडी है, वो भी गवर्नमेंट बॉडी से जो टेंडर हुआ होगा। हम लोग इससे पहले कोई एक्सपीरियंस था आपको इस तरह के पुल निर्माण का? बहुत सर, कम से कम 50 साल से हमारी कंपनी ये पुल बना रही है। इस तरह के पुल बनाने के बहुत ऐसे कई पुल बना चुके हैं। फिर कोऑर्डिनेशन में कमी थी, निगम और दूसरे डिपार्टमेंट थे जो सरकारी, उनसे समस्याएं आ रही थी। मामला तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम था सर, लैंड एक्विजिशन का। जी मेन प्रॉब्लम यहाँ प्रोजेक्ट। चौधरी साहब, अभी क्या क्या प्राथमिकताओं में दिख रहे हैं काम आपके जिनको आप कर देंगे, कितना समय होगा उसको करने के लिए? प्राथमिक काम यह है कि इसकी लाइन हटेगा तो हमारे इलेक्शन का काम और स्लैब का काम पूरा हो जाएगा, हमारा ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा अभी सर? विभाग के तरफ से जितना समय अनुमानित समय, कोई आइडिया नहीं आपको कितने समय में हो जाएगा? कोई आइडिया नहीं, तो ये जनता तो परेशान होती रहेगी अगर समय आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो। जी जनता परेशान होती रहेगी, फिर क्या करेंगे?
कोई सेल्फ एफर्ट लगाएंगे अपनी तरफ से कुछ करेंगे? कर रहे हैं सर, हम लोग खुद ट्राई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रोज जो बेहतर हो सके कि आप हमें हमारे साथ चलिए और हमारे लायक जो काम है हम करते हैं, आप हमारा जो है ESP लाइन हटा के दीजिए और हम काम पूरा करेंगे। लोकल जो पॉलिटिशियन है, क्षेत्र के छोटे बड़े नेता है, उन्होंने ऐसे में बेहतर होता है कि विधायक महोदय अपने सरकारी विभागों को भी सहयोग करने के निर्देश देते। बहरहाल विधायक शैलेश पांडे और ठेका कंपनी के अधिकारी के बयान को सुना जाए तो यह साफ हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट में लेट लतीफी सरकारी और ठेका कंपनी दोनों ही की लापरवाही के कारण हो रही है।